हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो HTML एंड नोटपैड की मदद से एक सिंपल एनिमेशन मूवी क्रिएट करने पर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के एनिमेशंस अपने वेब पेज में क्रिएट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशंस की मदद से, कुछ इमेजेस की मदद से इस तरह का एनिमेशन क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पे देखो, एक दूसरा भी है। तो इसमें मैंने क्या किया, ऑडियो ऐड किया, और ये जो है इसमें मैंने ऑडियो ऐड नहीं किया है। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो कैसे काम कर रहा है। रुक जा चूहे, कहाँ भागेगा, आज तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। तू उड़ के कहाँ भाग के जाएगा, रुक मैं तुझे पकड़ता हूँ। रुक जा चूहे, कहाँ भाग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज में एक एनिमेशन मूवी क्रिएट कर सकते हो। और इसको करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के आगे के कंटेंट में देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक HTML का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। और तीसरा क्या है कि आपको एक GIF, PNG या JPG इमेज चाहिए, जिसकी मदद से आप वहां पे एनिमेशन ऐड करो। तो मैंने ये एनिमेशंस के लिए कुछ पिक्चर्स वहां पे इंसर्ट किए हैं। तो आप भी अपने हिसाब से जो भी पिक्चर आपको जरूरत है आप वो यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ये सारे कंटेंट लिए हैं, ये सारी इमेजेस लिए हैं अपने एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा होगा कि किस तरह से हम अपने वेब पेज में एनिमेशन बनाएं, एनिमेशन क्रिएट करें। उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, तो मेरे पास GIF फाइल है और मेरे पास JPG है, ऑडियो के लिए MP4 है, जो कि आप यूज कर सकते हो, MP3 भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने ये सारी चीजें यूज की अपने एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हमें करना क्या है, हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड में जाकर क्या करना है, HTML का जो बेसिक फॉर्मेट है वो टाइप करना है। मैंने यहाँ पे पहले से टाइप करके रखा है जो बेसिक फॉर्मेट है। अब आप यहाँ पे देखो करना क्या है, तो आप क्या कीजिए, अपने बैकग्राउंड में फोटो लाने के लिए बॉडी के पास जाना है। बॉडी टैग यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पेस कीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई फोटो ला सकते हैं। तो मेरे फोटो का नाम है scene2.jpg। तो मैंने ये ले लिया है और अब मैं इसको सेव करने वाली हूँ .html से। तो जब मैं इसको सेव करूंगी, फाइल नेम कुछ भी डालिए जो भी आपका है .html, एंड देन आप उसको सेव कर लीजिए जहाँ पे आप करना चाहते हो वो सेव हो जाए। तो फिर करना क्या है, आपको जाके चेक करना है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो मेरा वेब पेज कैसा दिखाई दे रहा है, अब देख सकते हो मेरा वेब पेज ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे वेब पेज में बहुत सारे फोटोज आ गए हैं। तो ये रिपीट हो गया है क्योंकि फोटो छोटा था, ये इस तरह से रिपीट हो गया है। लेकिन मुझे एक फुल पेज में चाहिए, तो फुल स्क्रीन का चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी वो है CSS। तो कैसे यूज करना है CSS, आप देखिए यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ हेड टैग के बाद में यहाँ पे यूज करना है स्टाइल टैग। आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड रिपीट जो एट्रीब्यूट है वो यूज करना है। बैकग्राउंड रिपीट, तो आपको क्या करना है, नो रिपीट। अगेन बैकग्राउंड का साइज भी चाहिए मुझे। पहले मैं आपको दिखा दूं इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है। इस तरह से दिख रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज नहीं किया है। आप देख सकते हो मेरा फोटो अभी रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इसको फुल स्क्रीन पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी,
मैं नेक्स्ट यूज करूंगी यहाँ पे बैकग्राउंड का साइज एट्रीब्यूट जो मेरा है यहाँ पे। देख सकते हैं आप ये मेरा जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड में परफेक्ट पिक्चर आ चुका है। अभी मुझे इसके ऊपर इमेजेस लाने हैं तो वो मैं करने वाली हूँ। तो मेरे पिक्चर का मेरे फोटो का नाम है dog4.jpg GIF। आप देख सकते हो ये फोटो आ चुका है, लेकिन फोटो में जो मेरा डॉग है वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मुझे इसको लेफ्ट टू राइट भेजना है लेकिन ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसके लिए मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा। पहले मैं डॉग का साइज छोटा कर दूं। ये परफेक्ट साइज है। अब मुझे डायरेक्शन सेट करना है जिसमें डॉग जो है वो क्या करेगा, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो यहां पे मुझे वैल्यू लेना होगा वो है राइट। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बहुत ही ऊपर है, मुझे तो इसको नीचे लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, HTML 5 में जो हम ब्रेक लाइन करते हैं वो यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे BR टैग यूज कर लिया। थोड़ा और सेट कर लेती हूँ।
इसी तरह से आपको इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं br टैग यूज कर रही हूँ, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, मेरा जो फोटो है वो नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो ये भी परफेक्ट है। अब मुझे एक और एनिमल चाहिए जिसको मैं इसके सामने रखना चाहती हूँ। और मेरे एनिमल का नाम है mouse3.webpy। आप देख सकते हो कि अभी यह माउस भी आ चुका है और उसके पीछे मेरा एक कैट या डॉग जो भी एनिमल है वो है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ठीक है, तो इसको मुझे तो सेट नहीं करना होगा, लेकिन मुझे इसका स्पीड बढ़ाना होगा। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप मार्क्यू में जाइए और यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, ये एक एट्रीब्यूट है जिससे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैंने इसमें 30 डाल दिया तो ये कैसे दिखेगा। ओके, तो ये परफेक्ट स्पीड लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि अभी मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे एक माउस है जिसके पीछे पीछे कैट इस तरह से भाग रही है, या कोई दूसरा एनिमल भी हो सकता था। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक चीज और, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा इसमें अपने हिसाब से एनिमल्स ऐड कर सकते हो आप, और इसके स्पीड को भी सेट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML का। आप देखो मैंने यहाँ पे कितनी इजीली ये काम किया है। और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं। और ऑडियो ऐड करने के लिए आपके पास ऑडियो नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, ऑडियो कंट्रोल्स, और आप चाहते हो किसी एक साउंड को बार बार रिपीट करें, उसके लिए आप लूप यूज कर सकते हो। देन आपको क्या करना होता है, आपको टाइप करना होता है सोर्स, उसके बाद आप क्या करोगे, सोर्स के बाद आप यूज करोगे src = जो आपका लोकेशन है, आपके फाइल का लोकेशन है और फाइल का नेम। तो मेरे ऑडियो का नाम था वो है ऑडियो MP4, तो मैं यहां पे ऐड करूंगी ऑडियो MP4 .MP4 एंड इसके साथ एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसमें होता है टाइप इक्वल टू, आप क्या करो, आपका ये फाइल कैसा फाइल है, ऑडियो फाइल है, /MP EG। तो ये कंट्रोल्स आपको यूज करने होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स ऑडियो ऐड करने के लिए। तो ये ऑडियो मैंने यहाँ ऐड किया, सेव किया फाइल को, एंड मैं इसका देखना चाहती हूँ इसका आउटपुट। तो आप देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे एक ऑडियो ऐड हो चुका है। तो ये ऑडियो प्ले करेगा, ये देखिए आप। रुक जा चूहे, कहाँ भागेगा, आज तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा, तू उड़ के कहाँ भाग के जाएगा, रुक मैं तुझे पकड़ता हूँ, रुक जा चूहे। तो ये आपका एनिमेशन तैयार हो चुका है। आप अपने हिसाब से एनिमल्स ऐड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे। थैंक यू।